मती अध्याय 20। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। एक घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले है वे पहले होंगे और जो पहले है वे पिछले होंगे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे टट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। जब वे यरियो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, या कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए।